हेलो एवरीवन, जाटन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं अनले में। कल हमने किया था उमिंगला पास और डैम चौक। रात को 6 बजे पहुंचे थे और उसके बाद रिलैक्स किया, लेकिन रात को हम फिर 2 बजे उठे और पूरा जो मिल्की वे हमने स्काई को देखा और फोटोग्राफी भी की, बहुत मस्त थी यार। लेकिन इतनी ठंड थी कि हाथ जम गए थे रात को, या तो माइनस में टेम्परेचर होता है रात को। अगर आप प्लान करें इस तरफ अनले सुमोरेरी अपना उमिंगला, तो गर्म कपड़े लेके आना भाई, बहुत ठंड होती है यहाँ पे। ये हमारी दंदो खड़ी है, वो एक्सपल खड़ी है, ये गाड़ी हमारी तैयार है। 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गए हैं। भाई तो 10 बजे से तैयार है, हमारी वजह से लेट हुआ क्योंकि रात को नींद बहुत लेट आई। फिर 1.5 घंटा तो हम वैसे ही घूमते रहे रात को, और उसके बाद 1 घंटे बाद नींद आई। तो ये था अम्मा गेस्ट हाउस, 10 कमरे हैं, अच्छी लोकेशन है, पूरा वुडन का बना हुआ है। तो निकलते हैं अब। इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप हल्ले आए तो आप बुक करा के आ सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं। तो अभी जाएंगे पेंगोंग लेक की तरफ और आज हम नया रूट लेंगे, जिसमें इसमें 2 पासिस आएंगे, उस पासिस को क्रॉस करेंगे और बिल्कुल मेटल रोड है, और जो रजांगला वाली रोड है वो बिल्कुल कच्ची रोड है, तो हम पक्की रोड से जाएंगे। ओके बाय। तो ये था अम्मा गेस्ट हाउस। तो गाइस, हम हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट पे, 13684 फीट पे, विलेज न्यूमा ले लद्दाख। और यहाँ पे पूरा टैंक फुल करा लिया, एक जेरिकन फुल करा ली, अब 2 जेरिकन में मेरा तेल है और पूरा टैंक फुल है। तो अब अपना तेल का कोटा पूरा हो गया नुब्रा वैली तक, अब नुब्रा वैली में जाके फिल कराएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है, हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक, और उससे पहले ये जो पास है उसको क्रॉस करना है, और इसमें 2 लेक आएंगी और 2 लेक या ये लेक और एक लेक का नाम हो रहा है, मुझे बोल रहा हूँ। तो 2 लेक हमने क्रॉस करनी है और 2 पासिस क्रॉस करने हैं, फिर हम पहुँच जाएंगे चुसुल, और चुसुल के बाद फिर निकल जाएंगे अपना पेंगोंग की तरफ। क्या हुआ? हाँ तू खड़े क्यों? अरे नहीं यार, मॉर्निंग में हम हल्ले से निकले थे 11 बजे, बहुत लेट हो गए थे, और फिर 12 बजे माये ब्रिज पहुंच गए थे, वहां पे एंट्री करा के फिर निकले न्योमा को, और न्योमा पेट्रोल पंप पे पूरा फ्यूल डलवा लिया है, और 12 बज गए हैं। 10 कम से कम यहाँ 15-20 मिनट हमने यहाँ भी रेस्ट किया, और अब निकल पड़े हैं हम पेंगोंग लेक की तरफ। तो ये रूट काफ़ी हमें उल्टा पड़ रहा है और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ इस रूट से, वरना हम पुगा जो जगह है माये ब्रिज से पुगा से रास्ता जाता है मनाली को, बहुत शॉर्ट रास्ता पड़ता है, हमें डबल पड़ेगा। वो हमारा टी पॉइंट आ गया चुसुल, 62 किलोमीटर है यहाँ से, काकसंगला पास नुनगोम्पा। तो ये बिल्कुल नया रूट है हमारा, जो 2018 में जब मैं पेंगोंग से ले आया था, तब मैं रजांगला होते हुए आया था, रजांगला पास है एक, वहाँ से होते हुए आया था, और अब जा रहा हूँ कासंगला पास होते हुए। वो पूरा जो रजांगला वाला है पूरा ऑफ रोड है, 100 किलोमीटर मोर देन, और ये पूरा ये मेटल रोड है, लेकिन इसमें 2 पासिस आएंगे
उसमें हल्का सा पास था, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं था राजांगला। तो हम हैं काकसांगला वाले रूट पे। यहाँ पे अभी दिखा रहा था माइलस्टोन 38 किलोमीटर है अभी काकसांगला। और जैसे ही हम आगे आए तो दो रास्ते कट रहे थे, एक तो सीधा जा रहा था, एक माउंटेन राइट को हो गया था माउंटेन के ऊपर से। तो माउंटेन के ऊपर से राइट से लेना है आपको, सीधे नहीं जाना। ये पता नहीं सीधे कहाँ जा रहा रास्ता, वो भी कहीं भी जा रहा हो, लेकिन आपको माउंटेन वाला रास्ता लेना है। रोड अभी ऐसी नई बनी है ये काकसांगला 37। ये रूट देख लीजिए, हम यहाँ से आए पीछे से और आगे से दो रास्ते कट रहे थे और आगे आके दोनों ही मिल गए हैं। दोनों में से कोई भी रास्ते से आ सकते हो। ये पूरा जिगजैग वाला रास्ता है और अभी हमें जाना है, पहले हमें एक पास और मिलेगा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं याया टीएसओ लेक पे। सामने ये फ्रोजन लेक है और ये पास है, फर्स्ट पास इस रूट का हमारा याया। ये सामने है लेक, पानी बहुत कम है इसमें, पूरा अभी मेल्ट नहीं हुआ, अभी जमा हुआ है। और काफ़ी बाइकर जा रहे हैं इस रूट से। वहाँ कोने पे थे तो वहाँ से हमें दिखाई नहीं दे रही थी ये, लेकिन इस साइड से हमें क्लियर नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल है याया लेक। और ये कच्चा रास्ता भी है नीचे जाने का, आप जा सकते हैं याया लेक देखने, ब्यूटीफुल। तो अगेन वॉच दिस ब्यूटीफुल याया लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है ये। ये रास्ता भी बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। लेक्स तो इसमें एक आगे मिरपाल लेक भी मिलेगी हमें देखने को। मिरपाल लेक है, काकसांगला पास है, यो लेक है, यो पास है, तो काफ़ी कुछ है देखने का इस रूट पे। तो दो रूट है पेंगोंग जाने से, जाने के लिए हनले से, एक तो राजांगला वाला, दूसरा ये काकसांगला वाला। और इसमें दो पास आते हैं, काकसांगला 25 किलोमीटर है अभी भी, एक याया पास आता है, दूसरा आता है काकसांगला। तो जैसे जैसे हम इंक्लाइन कर रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है, और ये सामने कितना बड़ा हिम ग्लेशियर पहाड़ के ऊपर, अभी भी ऊपर ही जा रहे हैं हम। ओहो, ठंड बहुत है, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है अब तो चारों तरफ। तो गाइस हम आगे हैं काकसांगला पास। अल्टीट्यूड है 17,851 फीट, रैंक है 8th हाईएस्ट मोटरवेल रोड। काफ़ी जिगजैग यहाँ पे पिन बेंच मिले हमें। और ये सामने जो लेक देख रहे हैं ये है मिरपाल लेक। काकसांगला से निकल के लिए हैं हम, 5-10 मिनट से ज़्यादा किसी भी पास पे खड़ा हुआ ही नहीं जाता। और ये तो रोड का काम चल रहा है, काफ़ी है रोड तोड़ दी है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो मिरपाल लेक आएगी। इस पर भी लग रहा है टाइल्स का काम हो रहा होगा, टाइल्स बनेगी इस पर भी। और इससे पहले आपने याया लेक देखा था, अब आप देख रहे हैं मिरपाल लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है यार, ये देखिए क्या बात है। जितने ग्लेशियर का पानी पिघल कर यही इसी लेक में इकट्ठा होता है, पहाड़ों के बीच में लेक बन जाती है, सारा ये ग्लेशियर का पानी है सारा। तो ये काकसांगला पास से ही नज़र आती है ये मिरपाल लेक, ब्यूटीफुल लेक। चलते हैं अभी, चूसुल रुकेंगे जाके पहले। ये माउंटेन को उतर चुके हैं और ये सामने व्यू देखिए चुसुल वैली का, और सामने गांव है चुसुल। और ये आर्मी की पोस्टें भी है बहुत सारी। 1965 में चुसुल में बहुत ही ख़तरनाक वार हुई थी, राजांगला वार मेमोरियल इसी के लिए बनाया गया है। वो दूसरे रूट पे है,
वहाँ पे अगर जाना चाहते हैं तो आप दूसरा रूट लेना पड़ेगा। और ये वैल्यू का व्यू देखिए, माउंटेन देखिए, बस आप उतरने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं विकासपुरी के पास। बताओ कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से कितने दिन हो गए घूमते हुए? 7 days। और सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? पेंगोंग लेक। बहुत अच्छा है। अच्छा Yes. आपको पता पेंगोंग लेक कहाँ कहाँ पे है? मतलब कि इंडिया में और चाइना में। चाइना में है। 1/3 इंडिया में और बाकी चाइना में। 2/3 वहाँ पे चाइना में। 95 चाइना में, 45 इंडिया में। और कारदुंगला क्रॉस कर लिया? कारदुंगला सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट। नहीं हाईएस्ट नहीं है, नहीं है। उमिंगला पास है, हम करके आए हैं उसको। वो कितना है? 19,024 फीट पे है। सेकंड भी नहीं, अभी पता नहीं, थर्ड रह गया होगा। और भी बहुत बड़े बड़े खुल गए। 18,500 था जो हमने किया। बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ जर्नी आपकी आगे। थैंक यू, सेम टू यू। बाय बाय बाय। कालीधर कैफे 14,500 फीट। तो यहाँ से अब अपना लंच फिनिश करके निकल रहे हैं। ऑप्शन तो ज्यादा नहीं है। सकला रोड, तो ये दो रूट जा रहे हैं। ये लेफ्ट को जा रहा है अपना रजांगला को, और दूसरा जा रहा है अपना जहाँ से हम आए हैं। ये गाइस, ये है चुसुल विलेज। 2018 में मैं यहाँ पे स्टे किया था चुसुल में। हमने, सुरेंद्र भाई, मैंने, अजय भाई ने, हम तीनों ने यहाँ पे स्टे किया था। और यहाँ से फिर हम निकले थे हनले को वाया रजांगला होते हुए। पूरा कच्चा रोड था, और हम आए थे पेंगोंग लेक होते हुए, और वो भी पूरा कच्चा रोड था। अब देखो रोड बना है कि नहीं बना, ये पता नहीं है, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है 18 से अभी तक। पहले तो रहने की कोई जगह नहीं थी, गेस्ट हाउस में रुके थे चूसल में, एक ही गेस्ट हाउस था, और वहाँ लकली हमें कमरा मिल गया था, नहीं तो और कोई होम स्टे नहीं था चूसल में। अब तो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है, होम स्टे वगैरह बन गए हैं यहाँ पे। पेंगोंग लेक वाला रूट मेरा होते हुए जाता है, जो लेक के साथ साथ जाएगा। अभी थोड़ी देर में हमें लेक मिल जाएगी, फिर उसके साथ साथ जाएंगे। तो ये पूरा रोड बन चुका है बैटल रोड। और जब हम आए थे 18 में, तब ये बिल्कुल कच्चा रोड, हम मिट्टी पे आए थे, मिट्टी से मिट्टी के ऊपर चला आगे। और 55 किलोमीटर के लिए हमें 3-4 घंटे लगे थे। पेंगोंग लेक के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। ये मेरे राइट हैंड पे पेंगोंग लेक दिखाई दे रही होगी, ब्लू लेक भी कहते हैं पेंगोंग लेक को। और इसके कई कलर हैं, और ये खारे पानी की झील है, बहुत ही ब्यूटीफुल, वर्ल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये, जो 1/3 इंडिया में है, 2/3 चाइना के पास है। वो ब्यूटीफुल, दिस इज द पेंगोंग लेक। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, वाह, नीली झील। और आई थिंक मिराक विलेज आ गया है आगे, वहाँ पे भी स्टे करने की बहुत सारी ऑप्शन है। मिराक विलेज में होम स्टे वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, और लेक भी होता है, आराम से आप लेक के पास भी जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ रुके या आगे, क्योंकि अभी समय तो बहुत है हमारे पास आगे जाने का। अभी आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, ये है पेंगोंग लेक। इसको ब्लू लेक भी कहते हैं, और ये मल्टी कलर में दिखाई देती है कई बार। और ये खारे पानी की बहुत ही शानदार झील है, खारा पानी है इसका। और टीएसओ मोरेरी लेक हमने जो पहले देखी थी, वो मीठे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। ये 1/3 इंडिया में है, 2/3 है चाइना में। और ये पीछे के देखिए माउंटेन्स, इन्हीं माउंटेन के पीछे चाइना लड़ता रहता है हमारे से। चारों तरफ का व्यू देखिए पेंगोंग का, और ये पीछे है मिराक विलेज। तो ये सामने आ गया है मिराक विलेज, पिछला नहीं था, ये है मिराक। और यहाँ पे तो बहुत ऑप्शन हो गया यार, कितने डोम बने हुए हैं ऊपर, कॉटेज बने हुए हैं, रुकने की तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई यहाँ पे मिराक में। ये भी कॉटेज है।
तो गाइस हमने होम स्टे अपना ले लिया है, दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमने काफ़ी सर्च करा तो मिल गया आराम से, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है इस वजह से मिल गया। यही है सामने वाला, घुमा के लगाइए ताकि निकल जाए आराम से। होम स्टे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ के होम स्टे कैसे होते हैं, क्योंकि अभी तक हम मोस्टली होम स्टे में ही रुके हैं। ये देखिए, ये है रूम, ये डबल बेड और सिंगल, ये मोस्टली डबल बेड ही होता है, ये एक्स्ट्रा है। साथ में ये अटैच बाथरूम, और इनका डाइनिंग रूम भी दिखा देता हूँ आपको। और इनका ये है डाइनिंग रूम, चप्पल बार, ये है डाइनिंग रूम, ब्यूटीफुल डाइनिंग रूम है यार, ये देखो बैठ के खाते हैं। तो हम हैं मिराक में, हमने होम स्टे ले लिया है और अभी जा रहे हैं पेंगोंग लेक सामने, और ये सामने पेंगोंग लेक, थोड़ा वहाँ पे घूम के आते हैं और फिर थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे तो सुबह निकलेंगे, फिर देखते हैं सुबह क्या प्रोग्राम बनता है। मर्स मिकला का हमने प्लान बनाया है, देखते हैं भाई लोग रेडी हुए तो चलेंगे फिर मर्स मिकला। और ये देखिए व्यू, देखिए ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, और सनसेट हो चुका है, चारों तरफ का व्यू। हाँ अभी हम हैं मिराक में, हमने होम स्टे ले लिया है और थोड़ा देर यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं फिर निकलेंगे।